वेलकम बैक टू क्लियर विजन फॉर यू पी एस सो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू फिल्मी ट्वेंटी फोर फर्स्ट ऑफ आल आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो दैट ये वीडियो मैं बिल्कुल बनाने के मूड में नहीं था क्योंकि इस वीडियो में मुझे कुछ आपसे ऐसी बातें करनी है ऐसी बातें मैं करूँगा जहाँ पे आप हो सकता है ऑफेंड हो जाओ आपको आपके और मेरे थाट्स कॉन्ट्राडिक्ट्री फेज में आ जाए आपको लगे कि ये क्या कह रहे हो आप ये गलत बात है ठीक है बट आज मैं ये चीज़ें आपको कहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका प्रिल्म क्वालिफाई हो जाए क्योंकि प्रिलिम्स इज़ नॉट दैट मच टफ जितना इसको बता दिया गया है ध्यान से देखना कि इसी स्ट्रेटेजी के साथ मैंने क्रैक किया आप भी इसको फॉलो करके देखो ओनली फिफ्टीन डेज हंड्रेड परसेंट आपके मॉक में अगर किसी के नंबर कम आ रहे बढ़ जाएंगे हंड्रेड परसेंट आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा और आपके पास मौका है अभी अप्रैल है पूरा मई है इसमें आप इसको कर सकते हो प्लीज करके देखो ठीक है ना ध्यान से सुनना जीएस और सीसीएट को हम मैनेज करते हुए चलेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी में हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो किसी स्ट्रेटेजी से ज़्यादा एक गाइडेंस प्रोग्राम वाली वीडियो की गाइडेंस कैसे बेसिकली uh, मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे आप कैसे सीख सकते हो आपको करना क्या है आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो है ये प्लीज़ इसको ध्यान से समझना फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सी सेट ये सबसे अहम मुद्दा है इससे ज़्यादा ठीक ध्यान से देखो कैसे डेली वन आवर रूल आप डेली वन आवर सी सेट नहीं पढ़ोगे आप फेल हो जाओगे हंड्रेड परसेंट आप फेल हो जाओगे ठीक है फेल हो जाओगे मैं बहुत कट क्लियर बात करता हूँ आपको डेली सी सेट पढ़ना है बट कैसे पढ़ना है मैं आपको वो बताता हूँ बैलेंस बहुत ज़रूरी है अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सी सेट सबके अंदर यही सबसे बड़ा फियर है इस वक्त का बेसिकली सी सैट में आपको ये करना है एग्जाम्पल लो नंबर सिस्टम का ठीक है आपको नंबर सिस्टम प्रिपेयर करना है आप एक एक टॉपिक पकड़ लोगे नंबर सिस्टम आपने पकड़ लिया सबसे पहले आप नंबर सिस्टम प्रिपेयर कर रहे हो पहले इसके लिए एक बेस्ट टीचर देखो जिससे आपको समझ आ रहा हो तो जैसे आदित्य रंजन सर हैं आदित्य रंजन सर हैं ये एस के टीचर हैं ठीक है थीके? अब एस के टीचर ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ पर तो इनकी वीडियोज़ हैं नंबर सिस्टम की वो वीडियोज़ देखो या मधुकर सर है उनकी वीडियो देखो और उसके बाद जब इतना कर लो तो नंबर सिस्टम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आज तक आए हैं वो सारे सॉल्व करो ठीक है इन दोनों की वीडियोज़ देखने के बाद ये आराम से आपसे सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद ये करने के बाद मधुकर सर की बुक आती है मधुकर सर की एक बुक है जिसमें सर ने यूपीएससी के प्रीलिम्स सीडीएस एसएससी एसएससी एस सी, सी ए पी ए इन सब में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं इस नंबर सिस्टम से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन हैं तो मोस्ट प्रोबेबली नंबर सिस्टम के 150 फिफ्टी क्वेश्चन हैं आप मेरी बात समझने की कोशिश करना अगर आप वो 150 फिफ्टी क्वेश्चन कर लेते हो ना आपको कोई भी प्रिलिमस में फेल कर नहीं सकते हैं नंबर सिस्टम में आप क्वेश्चन करके आ जाओगे ये पावर है उस पर्टिकुलर पीडियफ की इस स्ट्रेटेजी की इंस्टेड ऑफ स्टडिंग होल डे ये पढ़ा वो पढ़ा ये किया वो किया काटा मारो इस चीज़ को डायरेक्ट एक टॉपिक उठाओ उसको समझो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करो आगे बढ़ो सेकेंड टॉपिक उठाओ उसको समझो क्वेश्चन सॉल्व करो आगे बढ़ो ऐसे आपको सी सेट प्रिपेयर करना है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ डेली वन आर या फिर थर्टी मिनट्स हाँ थर्टी फाइव मिनट्स आप सिर्फ और सिर्फ थर्टी फाइव मिनट्स डेली आप कॉम्प्रिहेंशन को दोगे डेली बेसिस पे आप फिर नोट्स डाउनलोड कर लेना वहाँ पे मैंने कोरोलरी इंप्लीकेशन ये सब बहुत अच्छे से समझा रखा है हिंदी में बेसिकली वो लिखा हुआ है है इंग्लिश में लिखा हुआ जिसे आप लोग कहते हो ना हंग्लिश जो व्हाट्सएप पे लैंग्वेज आप यूज करते हो उस तरीके से मैंने समझा रखा है तो उसको डाउनलोड करो उसमें आप टर्म समझ जाओगे उसके बाद डेली टेन कॉम्प्रीहेंशन टेन टेन टू तो फिफ्टीन आप वैसे तो डेली टेन का करो आप डेली पी वाई क्यूज कॉम्प्रीहेंशन करो और याद रखना कॉम्प्रीहेंशन करते वक्त एक चीज याद रखना जब आपके क्वेश्चन सही हों या गलत हों तब भी आप ऑप्शन जाके जरूर पढ़ोगे कि आपका सही क्यों है क्या रीजन है या गलत होने का क्या रीजन है इससे क्या होगा आपको ये पता चलेगा कि क्या जो आपने सोच के सही किया है क्या आंसर उसी वजह से सही है या फिर किसी और वजह से सही है आपका तुक्का लग गया है बेसिकली ये आपको जानना है ठीक है आप अगर ये समझ जाओगे अगर आपको ये पता लग गया ना तो रियल एग्जाम में जब कॉम्प्रीहेंशन आप पढ़ोगे तो आपको इन सोल्यूशन के दम पे जो आपने यहाँ सीखा है उसके बेसिस पे इसको आराम से ठीक करके आ पाओगे इसे कहते हैं नाइन्टी परसेंट प्लस एक्योरेसी आपकी आएगी कॉम्प्रिहेंशन में ठीक है ऐसे आएगी आपको डेली बेसिस पर टेन कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करनी है पहली चीज़ आई होप आपको का समझ आ गया कैसे प्रिपेयर करना है आपको अब बात करते हैं जीएस में एक एक सब्जेक्ट की सबसे पहले जीएस में बात करते हैं पॉलिटी की ध्यान से समझने की कोशिश करना आपने लक्ष्मीकांत इसके लिए पढ़ी है बहुत अच्छी बात है सबने पढ़ी होगी मेरे नोट्स से बेसिक नोट्स हैं आई थिंक थर्टी पेजेस के हैं लक्ष्मीकांत के वो से उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइक कमिटीज़ कौन कौन से आज तक फॉर्म हुई है प्रीएम्बल में क्या इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स में क्या इंपॉर्टेंट है प्रेजिडेंट में जो जो बिल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बिल मनी बिल फाइनेंस बिल उन सब के रिगार्डिंग नोट्स हैं स्केड्यूल्स बेसिकली बहुत अच्छे से लिखे हैं तो आप वहाँ से जाके उसको एक बार पढ़ लेना बहुत अच्छे से थर्टी पेजेस हैं थर्टी मिनट्स आपको फोर्टी फाइव मिनट्स आपको लगेंगे उसके बाद अपना लक्ष्मीकांत पढ़ते रहो अच्छे से पढ़ तो सर हमने लिया है पर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे किसका क्या करें तुम्हें पता है एक नंबर क्यों अच्छे नहीं आते हैं। बात ये है कि जब आप इनको सॉल्व करते हो ना ये सब पढ़ते हो ये पी वाई क्यू के बेसिस पे करो पी वाई क्यू पहले कवर करो पी वाई क्यूज कहीं से भी अच्छे से करो उनकी एक एक ऑप्शन को समझो उनकी टर्म्स को समझो आगे बढ़ो पी वाई क्यूज अगर आपने एक बार बाय हर्ट कर लिया ना मैं आपसे गारंटी लेता हूँ गारंटी देता हूँ लेता क्यों आपसे गारंटी देता हूँ आपका प्रिलिम्स का कोई भी नहीं रोक सकता है इवन सीडियस आपका कोई नहीं निकल कोई रोक नहीं सकता आपका सी डी एस सोचो जरा इतनी पावर है यूपीएससी के पीवाई क्यूज में पीवाई क्यूज करो तो आपको पैटर्न क्या फॉलो कर रहे? मैं आपको वो सीधा पैटर्न बताता हूं देखो आपको पॉलिटी करना है पॉलिटी उठाओ ठीक है सबसे पहले आप फंडामेंटल राइट आपको पढ़ना है जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं इसके पीवाई क्यूज सोल्व करो देखो आपको कितना आता है आपने कर लिया उसके बाद आप जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर पढ़ो क्योंकि आपको बिल्कुल भी नहीं आता होगा आपने चैप्टर पढ़ा वापस पी वाई क्यूज पर जाकर देखो सॉल्व हो रहा है अगर ये हो रहा है तो मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया नहीं हो रहा है तो मतलब आपको अच्छे से पढ़ने की नीड है अच्छा कभी भी पी वाई क्यू के सॉल्यूशन पे डायरेक्ट मत पहुंच जाना जैसे ये पी वाई क्यू है इसका कोई सॉल्यूशन वहाँ दे रखा है तो डायरेक्ट आपको लगे सीधा इसके सॉल्यूशन पढ़ लो ये गलती मत करना प्लीज़ आप पहले इसको अच्छे से समझोगे पहले क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो क्वेश्चन में आप इसको सॉल्व करोगे देखो आपका आंसर क्या आता है उसके बाद आप ये सॉल्यूशन पढ़ोगे इस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे उसके बाद एक बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं चलिए मॉक टेस्ट वाला मैं अभी थोड़ा एंड में डिस्कस करता हूँ अभी नहीं पी पॉलिटिकल रिगार्डिंग आपको क्लियर हो गया बात करते हैं जियोग्राफी इंडियन जोग्राफी बहुत ज़्यादा टफ़ सब्जेक्ट है मैं लिटरली बता रहा हूँ मुझे बहुत टफ लगता है क्योंकि ये रिवर ये सी पोर्ट्स ये सब इतने ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है इतना ज़्यादा रटना पड़ता है और एक जगह कहीं भी मटेरियल कंसोलिडेट करके नहीं दे रखा है सबसे बड़ी बात तो ये है डायग्राम्स ऐसे दे रखे कि आपको समझ ही ना आए है ना काफ़ी फे हेज़ी से हो गए वही फिजिकल जियोग्राफी जो जियो, मत मेरे को ऐसा लगता है ईजी है इंडियन जियोग्राफी से लाइक क्लाइमेटोलॉजी थोड़ा सा एक ये होता है कि हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर बाकी ईजी है फिजिकल जियोग्राफी इंडियन जियोग्राफी के नोट्स मैं अपने यूट्यूब तो सॉरी टेलीग्राम चैनल पर बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा और आप उनको देखोगे ना आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी उसमें सी पोर्ट्स मेजर सी पोर्ट्स सारी रिवर्स लेक ऑलमोस्ट सब कुछ वो भी बहुत हाई क्वालिटी मैप्स मैंने लगाए हैं बहुत बहुत हाई क्वालिटी मैप्स लगाए हैं तो इंडियन जियोग्राफी आप वहां से कवर करो बट मैं यही कहूंगा मॉक टेस्ट में जितने भी एडिशन जितना भी सॉल्यूशन आप पढ़ोगे अगर उसमें से आप कुछ ऐड कर पाओ तो बहुत बेहतरीन होगा आप ऐड करते रहना ठीक है ये जियोग्राफी के रिगार्डिंग है बात करते हैं मैपिंग ठीक है यहाँ पे देखो मैपिंग की स्ट्रेटेजी क्या होगी क्योंकि मैपिंग तो पूछता है और इसके रिगार्डिंग है नहीं कुछ भी हमारे पास तो आप टेंशन मत लो कुछ दिन का वेट करो मैं मैपिंग की एक पी अपलोड करूंगा जिसमें आज तक पी में जितनी पूछी गई हैं वो प्लस इस बार न्यूज़ में कितनी है वो और सब कुछ नहीं बहुत ही कम हो गई बहुत ही मोस्ट थर्टी टू थर्टी फाइव पेजिस के नोट्स हो बस इससे ज्यादा नहीं होंगे इससे आपका मैपिंग वाला पार्ट पूरा कवर हो जाएगा दैट्स ऑल हंड्रेड परसेंट आपका हो जाएगा ठीक है ह्यूमन और इकोनॉमिक जियोग्राफी भी मेरे नोट्स में इंक्लूडेड है मैंने अपने फिजिकल ज्योग्राफी के नोट्स और इंडियन जियोग्राफी के नोट्स दोनों ही टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए इंडियन के एक दो दिन में अपलोड हो जाएंगे ठीक है अब बात करते हैं एनवामेंट की एनवामेंट इज़ अ वेरी टफ सब्जेक्ट ये मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले और हाँ मुखर्जी नगर राजेंद्र नगर करोलबाग एरिया में ये सब कहते हैं बट लेट मी क्लैरिफाई यू वन थिंग एनवायरमेंट इज़ नॉट दैट मच टफ आप पी एमएफ पढ़ो मैंने पी एम एफ की बुक को पूरा हाईलाइट कर रखा है सेवन हंड्रेड पेजेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है आप वो हाईलाइटेड चीजें अपने माइंड में बसा लो पढ़ लो रट लो अच्छा सबसे बड़ी दिक्कत आती है सर इंटरनेशनल कन्वेंशन में और नेशनल लॉज में सर इसका क्या करें नेशनल लॉज वगैरह में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं हमें याद नहीं हो रहा है मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना इसके रिगार्डिंग मैंने नोट्स बना के फ्लो चार्ट बना के अपलोड कर रखे हैं मोर देन इनफ है किसी भी एग्ज़ाम में इंडिया के क्वालिफाई करने के लिए अगर इंटरनेशनल नेशनल से क्वेश्चन आ जाता है तो पहले चीज दूसरी मेरे हैंड रिटर नोट्स हैं नाइनटीन पेजेस के भाई आप जाके उनको पढ़ो आपको जो क्लैरिटी मिलेगी ना एनवायरमेंट के लिए जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए चीज चाहिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप मैंने मैंशन रखी है लाइक ऑल नेशनल पार्क बाइस्कर रिजर्व वेटलैंड्स नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टाइगर रिजर्व ये सब कुछ सब कुछ दो पेज में कवर है आप इजीली उन्हें रट सकते हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप एनवायरनमेंट के लिए इतना कर लो आपका एनवायरनमेंट में अगर 15 क्वेश्चन आएंगे ना आप 13 करेक्ट करके आओगी मैं सच बता रहा हूँ अभी मैंने करंट अफेयर के रिगार्डिंग कुछ ही बोला है मैं बोलूंगा अभी देखते जाओ उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक सेकेंड देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक साइंस एंड टेक एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जहां पे हमें लगते जो हैं जो कहीं से भी आ जाएंगे हम सॉल्व कर पाए अंदा कर पाए कुछ समझ नहीं आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या कहें देखो सबसे पहले मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करूंगा क्योंकि बायोटेक ही है जो सबसे ज्यादा टफ होता है बायोलॉजी बेसिकली बायोलॉजिकल पार्ट है ना मैं आपको एक बात बताता हूँ आप डॉक्टर शिविन सर को जानते हो गी? है ना इन्होंने एक कोर्स किया था अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से कवर किया है इनकी जो नॉलेज है ना बायोटेक को लेकर वो बहुत अच्छी है बात बेसिकली नॉलेज की भी नहीं है बात है कि उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमको समझ आ जाए कि बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली होती क्या है तो आप क्या करोगे बायोटेक्नोलॉजी आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे उनके नोट्स या फिर उनकी जो वेबसाइट है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डॉक्टर शिव डॉट कॉम करके वहाँ पर जाकर आप उनके उनके बायोटेक के नोट्स डाउनलोड कर लो और बायोटेक्नोलॉजी आप इनसे कवर कर लो आपका बायोटेक वाला पार्ट कवर हो जाएगा इन्होंने पी वाई क्यूज भी इसमें कवर कर रखे हैं तो आपका बायोटेक वाला पार्ट वहाँ पर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा उसके बाद मैंने अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स चैनल पर अपलोड कर रखे हैं तीन पी डी एफ है एक पी पी टी हैं एक घंटे में आप इसे कवर कर सकते हो या दो घंटे में इससे ज़्यादा नहीं उसके बाद कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं और कुछ एन के नोट्स हैं इतना कर लोगे और इनके बायोटेक के नोट्स कर लोगे बायोटेक के वाला पार्ट इस बायोटेक वाला पार्ट इसमें भी इंक्लूडेड है बट इन सर का जो बायोटेक वाला पार्ट है उस काफ़ी डिटेल्ड है जो कि ज़रूरी है आप कर सकते हो तो आप क्या करोगे इसको कवर कर लोगे और उसके बाद आप टेस्ट देके के देखना तो आपको लगेगा कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ना काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ठीक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मैं कह रहा हूँ एक बार इसे करके देखो आपको लगेगा कि यार सच में चेंजेस आए हैं उसके बाद बात करते हैं क्या रह गया सी इकोनॉमिक्स के लिए मैंने करा है सर को फॉलो हमेशा से ग्रेट मैन 1200 पेजेस की पीडीएफ होती है सब कुछ इंक्लूड होता है कुछ भी बाहर से पढ़ने की नीड नहीं होती है बट सर हमने तो विवेक सिंह रमेश सिंह विवेक वर्मा रमेश सिंह आई डोंट नो टीचर्स के नेम के हैं बट दे आर वेरी पॉपुलर उनके नोट्स श्री राम आईज़ के नोट्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं बट मैं आपसे ये कहना चाहता तो हूँ किसी से भी आपने पढ़ाओ कुछ मैटर नहीं करते चाहे मुलाल सर से चाहे किसी से भी इम्पोर्टेंट है रिविजन आपको आता कितना है तो आप रिविजन करो जो बेसिकली मुलाल सर से पढ़ते हैं मैं उनकी स्ट्रटजी एक बार बता देता हूँ मैंने इंडेक्स के नोट्स बहुत जल्द मैं अपलोड करने वाला हूँ डिटेल्ड इंडेक्स होगा मैंने उनकी दो अभी अब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्यूर्स था कि सर कब करोगे तो मैंने दो फोटो अपलोड करी आप जाके वहाँ देख सकते हो कैसे नोट्स बन रहे हैं इंडेक्स के उस इंडेक्स के नोट से आप ट्वेल्व हंड्रेड पेजेस फिफ्टीन जून को सिर्फ और सिर्फ थर्टी मिनट्स में कवर कर लोगे और ये बहुत ईजी होगा इंडेक्स टेक्निक से होता है ये ठीक है और आपको पता लगेगा कि इकोनॉमिक्स नॉट दैट मच टफ जितना आप लोगों के लिए बनाया गया था ठीक है इकोनॉमिक्स के लिए और कोई सब्जेक्ट कुछ नहीं पढ़ने एनसीआरटी वेनसीआर टी कुछ नहीं पढ़नी है सर के नोट्स ही काफ़ी हैं इसमें सर ने सब कुछ कवर कर रखा होता है नीति आयोग के डॉक्यूमेंट्स इकोनॉमिक सर्वे बजट सब कुछ कवर है सब कुछ ठीक है बात करते हैं आई आर आई आर के लिए आपको पीटी थ्री सिक्सटी फाइव पढ़ना पड़ेगा प्लस कुछ बेसिक्स आपको पता हो अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे तो बेसिक्स आप कवर करोगे यूट्यूब से कहीं से भी स्टडी आई क्योंकि कहीं से भी जाके थोड़ा बेसिक्स जैसे इंडिया और चाइना के बारे में आए तो जाके यूट्यूब पे पहले उसका बेसिक कवर कर लो फिर पीटी से पढ़ना आपको क्लैरिटी मिलेगी ठीक है अब बात करते हैं हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट और उसमें भी आर्ट एंड कल्चर एंशेंट मेडिवल ये दोनों कैसे करें लूसेंट ठीक है पहला तो यही है ये बेसिकली एन के ही नोट्स होते हैं इसमें तो एन आपकी यहाँ से कवर हो जाती है बेसिक उसके बाद कुछ एक पी डी अपलोड करूंगा जिसमें इन दोनों सब्जेक्ट एंशेंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर की इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वहाँ से वो पढ़ लेना इससे ज़्यादा आप कुछ मत करना अगर इससे ज्यादा आप पैर करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप फेल हो गए क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप कर नहीं पाओगे फिर आपको लगे इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा है कुछ लोग पढ़ते हैं पूनम दलाल दैया जो मैम की बुक आती है वो पढ़ती हैं मैं आपसे एक बात बताता हूँ इतनी बल्कि बुक पढ़ने की नीट नहीं है आपको आपको ये समझना होगा कि आपको ना ये चीज़ समझनी होगी कि आपके लिए ए इम्पॉर्टेंट है या बी इंपॉर्टेंट है ठीक है एक जगह पॉलिटी है जहाँ पे आप अगर दो घंटे पढ़ते हो तो आप दस नंबर स्कोर कर रहे हो वहाँ पे जहाँ बी है फॉर एक्जाम्पल आर्ट एंड कल्चर है जब आप पाँच घंटे करके भी एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या एक कर भी रहे तो क्या रेशियो इन दोनों का बताओ इस पर ही ज़्यादा फोकस करो यहाँ ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ बुक काफ़ी बल्कि है और ऐसे सब्जेक्ट के लिए जहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल भी प्रिडक्टेबल है ही नहीं आप आप बिल्कुल नहीं करना चाहोगे तो प्लीज़ इसमें मत पढ़ो जितना बताए उतना करो जो यहाँ पर पी अपलोड करूंगा उसमें नितिन सिंघानिया की जो बुक आती है नितिन सांगवान से हाँ नितिन सिंघानिया सर की जो बुक आती है आर्ट एंड कल्चर की उसके भी नोट्स इंक्लूडेड है ज़्यादा से ज़्यादा छः सात पेजेस की बसेस से ज़्यादा नहीं है बात करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एम आई एच मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम लूसेंट एंड थर्ड वन और क्या नाम है आपके इंडेक्स तो इसका भी इंडेक्स मैंने बना रखा है अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द आप इंडेक्स से पूरा स्पेक्ट्रम रिवाइज कर लोगे जो भी सिक्स हंड्रेड पेजेस है कितनी देर में वही दस से पंद्रह मिनट इससे ज्यादा नहीं ठीक है आपकी सारी प्रॉब्लम दूर अब बात करूंगा इस पर मैंने सारे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग आपसे बात कर ली है अब मैं बात करूंगा आपसे मेन चीज याद रखना ये अब मुद्दा स्टार्ट होते है जो आपको सुनना बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये ब्रह्मास्त्र है ठीक है ये ब्रह्मास्त्र अगर आपने इसे मिस किया तो मैं आपसे बता रहा हूं चाहे आपको यूपीएससी सिक्सटीन अटेम्प्ट दे दे आप जिंदगी में प्रिलिम्स क्वालिफाई नहीं करोगे ये मैं आपसे खुल के कह रहा हूं तो अगर आपको प्रिलिम्स क्वालिफाई करना है तो पी वाई की उस पर अपनी पकड़ बना लो अच्छे से बहुत अच्छे से 1978 सेवेंटी एट टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के प्रलियम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लो अच्छे से मैं कह रहा हूँ दिल लगा के सॉल्व कर लो बाय हर्ट सॉल्व कर लो और ट्वेंटी थर्टीन टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के क्वेश्चन के ऑप्शन के साथ कवर कर लो ऑप्शन में क्या क्या आया था डिटेल में पढ़ लो ठीक है इसके लिए कोई कोर्स लेने की नीड नहीं है आपको बस एक अच्छी बुक होनी चाहिए आपके पास मुनाल सर की बुक आती है या फिर कोई और बुक अपना देखो बहुत बढ़िया से बुक मैंने मुनाल सर की बुक फॉलो करिए सैन ऑफ साइंस को फॉलो किए बेसिकली आप क्या करोगे यही आप भी करोगे पी वाई क्यूज अच्छे से कर लो अगर आपने पी वाई क्यू कर लिया तो आपका जो प्रिलिम्स है वो कोई भी नहीं रोक पाएगा आपके पास एक वाइड नॉलेज होगी आपका जो बेस होगा ना वो बहुत स्ट्रांग होगा इतना स्ट्रांग होगा कि प्रिलिम प्रिलिम्स आपका फॉर्मो ख़त्म हो जाएंगे पी वाई क्यू करोगी टॉपिक पढ़ोगी फिर प्य आई के सॉल्व करोगे आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर हो चुका है ऐसे पढ़ते हैं ठीक है अब यहाँ पे देखो मेजर बात जो मुझे आप, आप करूंगी ये मैंने आपको सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग स्ट्रेटजी बता दी है ठीक है देखो मैं आपसे रियलिटी बताता हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो डालता हूँ डेली डेली मुझे इतना वो नहीं है कि क्वांटिटी में वीडियो डालनी है क्वालिटी चीज़ वाली मेरे को पसंद है कि हाँ मेरे को कुछ आया समझ के ये चीज़ बतानी चाहिए तो मैं बता देता हूँ बात यह है मॉक टेस्ट से आप डरोगे नहीं मॉक टेस्ट आप फर्स्ट अप्रैल से हर एक दिन छोड़ कर दोगे हर सेकेंड डे मतलब आपका एक टेस्ट होना चाहिए आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर है नहीं है प्लीज आप ये मत सोचना मेरे को कुछ नहीं आता आप टेस्ट दो भाई बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं विजन आई एस फॉरम आई एस नेक्स्ट आई एस वाजी रवि इनसाइट आई एस ओनली आई एस इन इतने सारे टेस्ट हैं इन सबके आप एक एक टेस्ट हर सेकंड डे सेकंड सेकंड डे दो जैसे पॉलिटी आपने पढ़ा दूसरे दिन उसका टेस्ट फिर से पढ़ा दूसरे दिन उसका टेस्ट फिर से पढ़ा दूसरे दिन उसका टेस्ट इनके सॉल्यूशंस को आप रिवाइज करोगे सॉल्यूशंस को रिवाइज करोगे सोल्यूशन को रिवाइज़ करोगे कोई भी नोट्स नहीं बनाओगे इसमें से आप इसमें से जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कुछ सॉल्यूशन जैसे सौ में से पाँच छः क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपको लगेगा ये मेरे नोट्स में एडिशन दिए इनको कर लेता हूँ ठीक है आप वहाँ से एडिशन कर लोगे दैट्स ऑल ऐसे आप करोगे मॉक टेस्ट हर दूसरे दिन अब आप क्या करोगे अप्रैल में आपके फिफ्टीन टेस्ट हो जाएंगे और मे में आप डेली एक टेस्ट दोगे डेली जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ मॉक टेस्ट आप दो प्रैक्टिस 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 यही आपको बना सकती है अब डेली आप वही कह रहे हो अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर डालेगा ना आप कर लोगे बट अगर आपके ऊपर प्रेशर नहीं है आपको खुद अकाउंटेबिलिटी आपको नहीं दे पाओगे ना आप नहीं कर पाओगे तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप मॉक टेस्ट दे देकर देखो पंद्रह दिन पूरा अप्रैल में फॉलो करके देखो आपको लगेगा यार आपके अंदर काफ़ी चेंजेज़ आ गए हैं यू को देखने का परस्पेक्टिव आपका बहुत ज़्यादा बदल गया है तो आप मॉक टेस्ट के लिए ये करोगे अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो अप्रैल और मई ये दो महीने हैं आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा या नहीं किसका आंसर देने के लिए अगर आपको प्रीलिम्स सच में क्वालिफाई करना है अगर आपको प्रूव करना है कि आपको कुछ आता है क्योंकि क्वालिफाई होगा तभी ये दुनिया मरेगी कि आपको कुछ आता है वरना आपको कुछ नहीं आता है तो देखो सर अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो न अपनी ना एक खुद की एक स्ट्रेटेजी बनाऊ एक ख़ुद की एक स्ट्रैटेजी बनाओ जो कि आपको ये बताएगी उस स्ट्रेटजी में यह होना चाहिए कि आप कब कौन सा टेस्ट दोगे कब कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करोगे कितने दिन में आप वो सब्जेक्ट प्रिपेयर करोगे कितना टाइम उसको अलाउट कर रहे हो ये चीज़ें उसमें होंगी एक और मेन चीज़ अगर आज ट्वेंटी सिक्स ऑफ मार्च है और कल ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ मार्च है तो आज की रात को आपका कल का पूरा एक एक घंटे का क्या स्केड्यूल होगा वो यहाँ उस आपकी डायरी में इंक्लूड होना चाहिए जिससे कि आपका कल का टाइम वेस्ट ना हो और प्रॉपर टू टू थ्री आवर्स आप सी सेट को इंक्लूड करोगे अपने डेली बेसिस पे ठीक है ये मेरी आपको दूसरी राय है आप ये कर, करोगे जरूर करोगे थर्ड आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग एक बात करना चाहूंगा देखो अप्रैल आ गया है मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि फास्ट फूड को छोड़ दो पूरी तरीके से कुछ भी मत खाओ नॉट इवन कि फिफ्टीन डेज के बाद एक बार खा लेते नहीं छोड़ दो आपके माइंड को अब इन सब की आदत हटाओ माइंड को फ्रेश करने के लिए फ्रूट खाओ क्योंकि देखो अगर आपने ये हैबिट जो हैबिट होती है ना ये अच्छी भी होती है ख़राब भी होती है अगर आपको फास्ट फूड की हैबिट रही तो वहाँ सेंटर पे भी ना आपको जो क्रेविंग्स होंगी ना वो इसी की होंगी कि मुझे फास्ट फूड खाने पता है क्यों क्योंकि आपके माइंड में बार बार आपने पूरे महीने यही खाया तो बार बार यही ट्रिगर होगा फास्ट फूड फास्ट फूड फास्ट फूड अगर आपने फास्ट फूड खाया तो जो आपको माइंड काम करके सी का पेपर देना है ना वो आप दे नहीं पाओगे और आप सी सेट में फेल हो जाओगे तो बेसिकली इस पेपर को अच्छा बनाने के लिए और अपनी हेल्थ पे ध्यान देने के लिए आप फास्ट फूड को छोड़ो और फल फ्रूट पे ज़्यादा फोकस करो इससे आपका माइंड हेल्दी रहेगा काम रहेगा फोर्थ चीज़ आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल बिलीव करते हैं इसमें नहीं बट मैं बिलीव करता हूँ स्पिरिचुअल होना है रिलीजन को लेकर थोड़ा सा मैं आपसे बात करता हूँ आप कुछ भी हैं हिंदू हैं मुस्लिम हैं क्रिश्चियन हैं जैन हैं बुद्धिस्ट हैं जो भी हैं आप प्लीज़ कुछ दिन आप थोड़ा सा भक्ति की तरफ फील जाओ थोड़ा सा पूजा वगैरह करके पढ़ने बैठो अच्छे से साध लेकर पढ़ने बैठो ना दो के मतलब इससे क्या होगा आपका माइंड ना स्टेबल होगा फोकस बहुत ज़्यादा होगा ठीक है ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जब आपका माइंड स्टेबल होगा आपका फोकस ज़्यादा होगा आप मन लगा के पढ़ाई करोगे बेसिकली अभी ना प्रेजेंट टाइम में हमें सबसे ज़्यादा नीड इसी चीज़ की है शांति की जिसे हम कहते हैं पीस जिसे हम कहते हैं सुकून वो सुकून आपको यहीं मिलेगा डेली मॉर्निंग में आप उठो जाओ अपने ये टेरिस पे थोड़ा सा फ़ील करो नेचर को आके सार लो सार लेके थोड़ा सा रिलीजन की तरफ अपने आप को डाइवर्ट करो कि हाँ मुझे थोड़ा सा भगवान की तरफ जाना है आपकी आधी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगी आपकी लाइफ की मैं कह रहा हूँ नाइनटी परसेंट प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगी आपको लगेगा ही एग्ज़ाम उतना टफ़ नहीं है मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे पर पूरा ट्रस्ट करो ब्लाइंड ट्रस्ट करो प्लीज़ मैंने जो बताया है ये रिलेशन वाला बेसिकली आप इसे 15 डेज करके देखो आपके अंदर जो चेंजेस हो गए जो आपके मुंह से गलत चीजें निकलती है जो आपका माइंड डाइवर्ट होता रहता है बार बार आपको लगता है कि यार मैं क्या जिंदगी में कर रहा हूं घर वाले ये सारी प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएगी हमारे माइंड को पीस मिल जाएगा ठीक है ये बातें मुझे आपसे करनी थी बेसिकली थैंक यू सो मच आप लोगों ने बहुत काम होकर इसको सुना है अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ हंड्रेड परसेंट आपका प्रीलिम्स क्वालीफाई होगा होगा फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता है फेयर लेने की नीड नहीं है फोमो मत रखो किसी चीज़ का फॉमो ही आपको फेल करवाएगा फॉर्मो मत लो एक बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको फेल कर पाए सिवाय आपके अपने माइंड के ठीक है तो आप लोग अगर ये वीडियो यहाँ तक इस टाइम स्टैम्प तक पहुँचे तो मैं आपसे इतना ही चाहूँगा कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बहुत बहुत सारे कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट में लिखना आई विल क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम या मैं प्रेम्स क्वालिफाई कर रहा हूँ ये दो वर्ड्स ही, बेशक लिखने से कुछ नहीं होता लेकिन हमारे माइंड को जब हम बार बार बताते हैं ना मैनिफेस्ट करते हैं वो ट्रिगर होता है उसकी तरफ वो काम करना स्टार्ट करता है। थैंक यू सो मच